फाइनर कंपनी का 5.1 मेड इन मलेशिया का और इंपोर्टेड पीस। जी इसमें आप सीडी चला सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, यूएसबी चला सकते हैं जी, और लाइन इन ऑक्स चला सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारे फंक्शन के साथ ये आता है जी पायनियर का जी। साउंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल ही ज़बरदस्त। और हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में। तो आज हम आपके लेके आए जी पायनियर कंपनी का डीवीडी 5.1 चैनल सराउंड सिस्टम। 5.1 होम थिएटर आया जी पायनियर कंपनी का और बहुत ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है जी। और वाटेज की अगर हम इसकी टोटल पावर की बात करें तो PMPO में है 7500 वाट, और जो इसकी RMS पावर है वो है 600 वाट RMS। तो काफ़ी पावरफुल आइटम है ये पायनियर की। ठीक है, इसका जो एम्प है काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल है। ठीक है, और इधर दिखा रखा है। ठीक है, जो इसके अंदर CD प्लेयर भी रहता है। ठीक है, ये CD प्लेयर है, MPC के अंदर है, USB वगैरह, बाकी अभी बॉक्स ओपन करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। और DVD में देख लो, DVD चला सकते हो, Dolby डिजिटल है, DTS है, ये सारा देख लो, MP3 भी है, फोटो व्यूवर भी है, वीडियो CD भी है, तो काफ़ी सारे है जी, ऑडियो CD ये सारा कुछ आप चला सकते हो, MP3 DVD। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया इसका CD प्लेयर भी है, CD प्लेयर भी MBS के अंदर ही। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल आइटम है। और ये मॉडल नंबर वगैरह लिखा पड़ा है, और फुल डिजिटल एम्पलीफायर है ये 600 वाट RMS के साथ, USB भी है इसमें, ये सारा कुछ लिखा पड़ा है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और दिखाया जी आपको, और अब बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स में से ये सब निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गैस ये देख लो, दोनों बॉक्सेस में से हमने निकाल दिया है जी। एम्प के साथ एक ये आया है, ठीक है, रिमोट है, यूज़र मैनुअल है, ठीक है, बुक है इसकी, और एंटीना वगैरह है, और ये इसकी एम्प के पीछे वायर लगेगी। ठीक है, RC वगैरह, ठीक है, तो दिखाया ये सब है। और रिमोट पे भी देखो पायनियर की ब्रांडिंग, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगती है। तो देख लो जी, ये फ्रंट के स्पीकर है, ये सेंटर है, और ये सराउंड के दोनों हैं। और जैसे इनकी वायर्स है, जैसे ये स्पीकर की वायर है, तो ये वाले कलर के साथ आपके पीछे सॉकेट मिल जाएगा, तो सेम टू सेम लगाना है आपने। ठीक है, और देख लो, तो जैसे ग्रीन है, तो ग्रीन पीछे भी है सॉकेट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वैसे वैसे आपने लगा देना है। ठीक है, एम का लुक देख लो, वो भी बहुत बढ़िया लुक है। सामने आपको USB मिलता है इधर। ठीक है, हेडफोन के लिए जैक मिलता है, पायनियर की ब्रांडिंग है। ठीक है जी, ठीक है, ये ओपन वगैरह का है, और ये इसका सबवूफर का पीछे वूफर लगा पड़ा है। ठीक है, और अब कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन आपको दिखाते हैं। तो गाइस कनेक्शन कर रहे हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा आपको दिखा दें। तो ये एंटीना है जी AM का, ये यहाँ पे FM का एंटीना सब आपको साथ मिलेंगे। और ये देख लीजिए, ये वीडियो आउट के लिए, जैसे हमने DVD लगाना है तो अपने TV के साथ ये वीडियो की तार, और लाइन इन ऑडियो की ये तारें हैं। ठीक है, और ये देख लो जी, यहाँ पर स्पीकर्स लगेंगे, जैसे हरी वायर है, ग्रीन वायर है, तो आपने ग्रीन में लगानी है, तो सेम बहुत आसान है, और आप आराम से लगा लेना। और बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर ही मेरे से संपर्क कर सकता है। और इम्पोर्टेड पीस है सारे, ये मेड इन मलेशिया के है। ठीक है, और AC इन भी है इसमें। ठीक है, तो अभी हम इस पर वायर लगाते हैं और फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, आपके लिए इसके कनेक्शन कर दिए जी स्पीकर्स के।
नॉर्मल है, जो जो से कलर है उस हिसाब से मैचिंग से आपने लगा देना। और बाकी वायर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, जैसे आप कमरे के चारों कोनों में लगा सकते हो। स्पीकर्स बहुत प्यार से वायर काफ़ी लंबी लंबी दी है माइनियर वालों ने, और काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। और देख लीजिए ये सराउंड के स्पीकर हमने पीछे रख दिया, और फ्रंट के दोनों ये, और ये सेंटर स्पीकर्स, ठीक है। और दिखाया जी, और लुक देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त लुक है। और ये सबवूफर, ठीक है, हमने यहाँ रखा है। तो चलाते हैं फिर इसे, और फिर आपको चला के दिखाते हैं, ठीक है। प्लग ऑन करते हैं और फिर चलाते हैं। तो गैस अब इसे ऑन करते हैं जी। तो ये देख लीजिए रिमोट में, तो ये ऑन का बटन है, ये ट्यूनर है, ये यूएसबी लाइन इन है, ये ओपन क्लोज, ठीक है। तो फंक्शंस देख लीजिए, ये वॉल्यूम वगैरह, ये गाना आगे करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, और ये नेक्स्ट ट्रैक गाने के लिए, ठीक है, ट्रैक। और यहाँ से ऑन करते हैं इसे, तो वेलकम आया लिखा हुआ, डीवीडी में अभी है, ठीक है। ऐसे ही आप फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे आपने यूएसबी चलानी है तो यूएसबी, उधर देख लीजिए यूएसबी, और लाइन इन, ठीक है। तो ऑक्स पीछे आरसी लगा के ऑक्स यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूनर है। और ये आपका भी सीडी चला के दिखाते हैं पहले, तो ये हमने ओपन का बटन दबाते हैं, ठीक है। और बाकी सभी कंट्रोल आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओपन क्लोज का ही है, ठीक है। और ये सब देख लीजिए, तो अभी सीडी लगाते हैं इस पे एक, और फिर आपको साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। तो हिंदी सॉन्ग्स प्ले करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा प्ले करेंगे, जिससे यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट भी ना आए, और आपको साउंड क्वालिटी का एक पूरा अंदाज़ा भी लग जाए। तो सीडी रीड कर लिया इस पे, और प्ले का बटन दबाना है हमने, ठीक है। अजब सी अदाएं हैं, आते जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। इश्क मोहब्बत प्यार की बातें बेकार की बातें, कल की सोचेंगे कल। से खोया हूँ कहना या ना तुम्हें नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो। दिल धड़क है ये मोहब्बत उड़ता जा रहे बेहिसाब तू। तो गाइस सीडी आपको चला के दिखाई, और अब आपको इस पे रेडियो चला के दिखाते हैं। तो ये इसके साथ वाला है जी ट्यूनर, तो करते हैं इसे, ट्यूनर आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं स्टेशन सिलेक्ट। दिल्ली के सब जोड़ा नहीं
शो का नाम है और आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं कौन? जसलीन रॉयल की खूबसूरत आवाज एंड दिस वन इज माय फेवरेट जसलीन रॉयल का हो गए हम का हमारे साथ हैं जसलीन रॉयल आर्टिस्ट ऑफ द वीक आपको अब ठीक है जी ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा है बड़े हो जाते हैं जैसे लाइक ऐसे जब मेरा गाना आया पहली बार यूट्यूब पे एंड पीपल स्टार्ट लिस्टिंग टू इट और कुछ कुछ फेमस लोगों ने उनको उसको ट्वीट किया तो फिर मुझे मेरी फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक मिली फिर मेरा इकरान झा जिससे मुझे मेरा फर्स्ट फिल्म पर अवार्ड मिला हीरिये जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली एज एन ना करना मतलब गुलामी की बेड़ी में हम जो जकड़े थे गुलामी से आजादी के लिए अपने डिस्कशंस करना बातचीत करना विमर्श करना तो जो उसके पीछे का जो मकसद है हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम गणेश उत्सव पर एक दूसरे के घर जाएं मेल मिलाप करें न कि सड़कों पर ट्रैफिक तो गाइस ये देख लीजिए अभी यूएसबी मोड में कर दिया जी हमने इसको और अभी आपको यूएसबी चला के दिखाते हैं तो यूएसबी लगा रहे हम ये देख लीजिए लोडिंग कर रही है यूएसबी यूएसबी डाटा लिखा हुआ है इसमें प्ले हाँ जी वर्तमान जी सानू बबीहा बोले गाने दे विच सुन तो जी चला के दिखाया आपको इस पे यूएसबी भी पे ऑक्स चला के दिखाते हैं तो ये लाइन वाला ऑप्शन आपके ऑक्स का है ठीक है तो ऑक्स लगाते हैं यहाँ पे आपकी लाइन लगेगी ठीक है लाइन लिखा पड़ा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया है ऑक्स की वायर तो गाइस सॉन्ग प्ले करते हैं लाइन में चल रहा है नेक्स्ट तो जी चला के दिखाई आपको लाइन इन भी और ऐसी लगी आपको इसकी परफॉर्मेंस 5.1 की ये जरूर कमेंट करके बताना और ऐसे आप ऑफ भी कर सकते हैं तो गाइस चला के दिखाई जी आपको इस पर सीडी भी चला के दिखाई यूएसबी भी चला के दिखाई रेडियो भी सुनाया और लाइन इन भी चला के दिखाई तो फुली वर्किंग सेट है और कंडीशन देख ही लिया हमने बॉक्स पैक आया अपने पास और फुली वर्किंग जबरदस्त टनाटन और किसी भाई को भी ये परचेज करने में इंटरेस्ट हो पॉइनियर का ये 5.1 सराउंड सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक है और वाटेज इसकी 600 वाट आरएमएस है जी तो काफ़ी पावरफुल है ये वाटेज देख लीजिए और अभी तो मैंने जो वॉल्यूम आपको सुनाया है इसका वॉल्यूम रख रखा था हमने 25 से ज़्यादा नहीं लेके गए उसी में ये पूरे रूम को हिला रखा था और एंड वॉल्यूम जाता है इसका 50 तक तो काफ़ी पावरफुल आइटम है ये पॉइनियर का बाकी आपको पता ही है पॉइनियर तो ब्रांड है एक बिल्कुल काफ़ी हाई लेवल का और दिखाया आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये और फुली वर्किंग है सीडी में डीवीडी ऑक्स और ये सीडी में है ठीक है डीवीडी है रेडियो है और अपना यूएसबी है लाइन इन है तो जितने फंक्शंस मिलते हैं आपको इसमें तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है तो जिस भाई को भी ये परचेज करना हो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है और प्राइस मैं आपको बता देता हूँ प्राइस है जी इसका 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़ का ये 5.1 सराउंड सिस्टम है तो जिस किसी भाई को भी इंटरेस्ट हो वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है कॉन्टैक्ट नंबर 9310741161 तो इस पर कॉल करके मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हो जी और ऐसी गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में आपके लिए लाते रहते हैं तो ऐसी सब वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा को सब्सक्राइब करें अपने यार दोस्तों में हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें फुल सपोर्ट दिखा रहे हो गाइस मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लेटे गए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग